ओके सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये जो चैप्टर लिया गया है ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है बेसिकली ये सब तो आप लोगों ने नाइन टेंथ की बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा अच्छा जब भी हम सेल को उसके स्ट्रक्चर्स को उसके फंक्शंस को उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो क्या क्या फंक्शंस कर रहा है क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं साइटोलॉजी या हम इसको सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी भी कहते हैं ठीक है सो so, uh, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है इसके साथ साथ जो हमारे पास uh, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए हैं ठीक है अब अगर हम बात करें सेल की तो ज्यादातर बच्चों को तो वैसे भी पता होता है आपको भी पता होगा कि सेल क्या है ये सबसे बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का अब इस बात का क्या मतलब यानी ये जो सेल है ना दैट इज द बेसिक यूनिट यानी जो सबसे छोटा यूनिट है जैसे कोई घर है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है ब्रिक है ब्रिक से मिल मिल के वो वॉल बनती है इसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो कोई बैक्टीरियम है वो कोई वायरस है वो कोई इन्फेक्शस एजेंट है या वो आपका कोई बेनिफिशियल गट माइक्रोबायोटा है कोई भी चीज़ है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सांस जिसमें तो उसका जो बेसिक यूनिट होगा यानी जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होगा वो एक सेल होगा ठीक है और इसी से आगे जाके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कि ब्रेन के सेल्स आपस में मिल ब्रेन को बना लेते हैं इस तरह बोन के सेल्स आपस में मिल बोन को बना लेते हैं तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है ना वो क्या है सेल है हमारे पास और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ना वो बेसिक लेवल पे सेल में ही परफॉर्म होते हैं ठीक है तो अब कुछ डेफिनेशनस दी गई हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की यानी जो सेल है ना ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस चीज़ में भी जान होगी उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा सेल होगा और उसकी बॉडी के सारे के सारे फंक्शन किधर परफॉर्म होंगे वो सेल के अंदर परफॉर्म होंगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसके अंदर ही बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे मेटाबेबोलिज्म हो गया या एक्सक्रीशन हो गई या प्रोटीन सिंथेसिस हो गए मल्टीपल फंक्शंस जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो सारे फंक्शंस उसके सेल में होते हैं अब वन बाय वन हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनलीज के फंक्शन और वो सब आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स की तो सेल्स की दो ही मेजर टाइप्स हैं ठीक है कौन-कौन सी टाइप्स है आप, आप, आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूक्रियाटिक सेल्स होते हैं ठीक है वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आपको वैसे भी पता है अब प्रोक्रियाटिक सेल्स क्या और यूक्रियाटिक सेल्स क्या है यूक्रियाटिक वो जैसे कि हमारे सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल यानी जो आपके क्रोमोसोम है आपके डीएनए है जितना भी जेनेटिक मटीरियल वो सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा और उसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज होती है वो मौजूद होती है तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके सेल्स को हम यूक्रियोटिक सेल्स कहते हैं अब दूसरे हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया का सेल हो गया तो वो सारे के सारे जो होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन हम तो सुनते हैं ना कि बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरिया का क्रोमोसोम तो फिर उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ मौजूद होता है अब बैक्टीरिया की बॉडी में वो रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन एक बार पेपर में आ भी चुका है कि वो वाला एरिया जहाँ पे बैक्टीरिया का या प्रोक्रियाड्स का जेनेटिक मटीरियल मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया सिंपली हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर्स फंक्शंस वो सब पढ़ रहे हैं ठीक है अब वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी या सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसे कहते हैं ठीक है फिर हमने पढ़ा कि हम ये जिस चीज का किस्सा पढ़ रहे हैं ये सेल होता क्या है तो सेल सबसे बेसिक यूनिट है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी इसी से, से बनते हैं फंक्शन भी सारे इसमें होते हैं फिर हमने पढ़ा कि दो मेजर टाइप्स से है सेल के प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक यूक्रियोटिक जिसका प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिलीज भी होती है और प्रोक्रियोटिक कौन सा जिसमें आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता ओपन उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है तो जिधर पड़ा होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं ठीक है थीके? अब सेल के बारे में हमें पता चल गया कि भाई सेल क्या चीज है अब इसके बाद हमारे पास आती है सेल थ्योरी कहते हैं कि आपके पास तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के एक थ्योरी प्रेजेंट की सेल के बारे में कि सेल जो है ना उसके ये ये फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कौन कौन से साइंटिस्ट थे थ्यूडर स्क्वान था एक साइंटिस्ट दूसरा था मेथियस जिकोबीडन और थर्ड वन था रुडोल्फ ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं सेल थ्योरी के अक्सर कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि हमें मेन फीचर्स या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी बता दें तो क्या है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी से पॉइंट्स इसके पहला पॉइंट इसका क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स होंगे जैसे एक सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया हमारे पास अमीबा है हमारे पास पैरामीशियम है हमारे पास बहुत से बैक्टीरियल सेल्स हो गए बहुत सी इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल है उनका उनकी पूरी बॉडी क्या है वो एक सेल ही है और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जिनमें मल्टीपल सेल्स होंगी यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या उनमें एक सेल होगा या बहुत से सेल होंगे फर्स्ट पॉस्टूलेट इसका ये कहता है अब जो दूसरा है है वो कहता है कि जितने भी न्यू सेल्स हैं ना आपके पास वो जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उन्हीं से बनेंगे ठीक है यानी हमें पता है ना कि जैसे रेड ब्लड सेल है इसकी वन ट्वेंटी डेज लाइफ स्पेन है ये स्किन जैसे हम देखते हैं ना लड़कियों को तो पता है कि उनके डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव होंगे बाद में न्यू सेल्स आते हैं स्किन के तो जो पुराने सेल्स हैं वो हटते हैं न्यू सेल्स उनकी जगह बनते हैं हर एक सेल की कुछ लाइफ टाइम होती है लाइफ स्पेन होती है अच्छा कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो कि एक बार बन जाते तो लाइफ टाइम वही रहते हैं एम्ब्रियनिक स्टेज में बन जाते जैसे नर्व सेल्स हो गए न्यूरो वगैरह हो गए तो न्यू सेल्स जो है ना वो पुराने ही सेल से बनते किस तरह से बनते सेल डिवीजन के ज़रिए सेल डिवीजन कौन सा प्रोसेस है माइटोसेस एक सेल से दो दो से चार चार से आठ इस तरह से वो सेल डिवाइड होते हैं ठीक है कैसे जो एक्सपम और ओवम मिल जाते हैं और उनसे एक पूरा कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है दिस इज बिकॉज ऑफ सेल डिविजन तो एक ही सेल या कुछ जो पहले से मौजूद सेल है उन्हीं से आगे जाके सेल्स बनेंगे तो ये सेकेंड पॉस्टूलेट था सेल थ्योरी का उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी सेल्स हैं आपके पास उनके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है किसी ऑर्गेनिज्म का भाई अब ये हेरिडिटी मटेरियल क्या भला है हेरिडिटी मटेरियल का मतलब है कि हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए होता है ठीक है डीएनए तो इवन अगर कोई इलिटरेट बंदा भी है उसको भी पता होता है कि भाई डीएनए एन ए होता है ऑर्गेनिज्म का और सेम जो स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है उनका मैच करेगा मतलब हंड्रेड परसेंट तो मैच नहीं करता लेकिन अब टू तो सम एक्सटिंक्ट वो मैच करते हैं यानी सारे के सारे इंसानों के डी में सिमिलैरिटीज़ होगी बैक्टीरिया के डी में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी ठीक है तो सेल्स जो होते हैं उनमें हेरिडिटी मटेरियल है और हेरिडिटी मटेरियल क्या है एक आपके पास डीएनए है उसके अलावा क्रोमोसोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ठीक है अब ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर वो चीज है और वो उसने अपने अंदर रख ही लिया अपने डीएनए क्रोमोसोम और जो जा, बाकी जेनेटिक मटेरियल है वो फिर आगे पास ऑन होते जाते हैं टू डॉटर सेल्स हमने इसे प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा ना कि नए सेल्स बनेंगे पुराने सेल से सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो नया सेल बन रहा है उसमें भी उससे जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर होते जाएंगे ठीक है सो सेल्स कॉन्टेन्ट हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो के पास होंगे फ्रॉम पेरेंटल सेल्स टू डॉटर सेल्स ठीक है इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है यानी जितने भी केमिकल ऑर्गेन रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो सारे के सारे सेल के अंदर ही होंगे सेल्स में होंगे ठीक है अब जो बेसिक केमिकल कम्पोजिशन सेल की है वो सारी की सारी स्पीशी में सेम होगी यानी अगर एक स्पीशी इंसानों की है तो उनमें सेल की कम्पोजिशन सेम होगी प्लांट्स में सेल की कंपोजिशन सेम होगी एनिमल है कोई स्पेसिफिक स्पीशी का उसमें सेल की कम्पोजिशन सेम होगी तो बेसिक जो केमिकल कम्पोजिशन होगी यानी उसके अंदर वाटर का कॉन्टेंट कितना है उसमें प्रोटीन्स कितने हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने हैं तो वो सारी सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर ही होगी अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या है उसकी थ्यूरी को किसने डिस्कवर किया था और उसके क्या मेन है अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भई अगर हमने किसी सेल को स्टडी करना है तो हम कैसे करेंगे हमें कैसे पता चला कि भई एक सेल भी होता है उसके अंदर डीएनए भी है सेल के अंदर क्रोमोसोम भी है न्यूक्लियस भी है राइबोसोम भी है सब हमें कैसे पता चलता है बायोलॉजिस्ट को तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं ठीक है सेल में हम सेल uh, uh, को जब भी हम स्टडी करते हैं उसके लिए हम सेवरल डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ठीक है तो अगर आपने उन टेक्निक्स को यूज़ करना है तो आपको साथ साथ जो है ना तो कुछ uh, इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत होगी जैसे कोई सर्जन है ना उसने सर्जरी करनी है तो उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कर सकेगा इसी तरह अगर आपने सेल को स्टडी करना है उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि बायोलॉजिस्ट हो गए साइंटिस्ट हो गए या लैब में जो लोग काम करते हैं वो यूज़ करते तो उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है माइक्रोस्कोपी ठीक है छोटे छोटे होते हैं बायोलॉजिकल एंटिटीज़ या सेल्स या ऑर्गेनिजम्स हम जब उनको देखते तो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी बुक में किसी छोटे वर्ड को पढ़ना होता है मैग्डिफाइन ग्लास लेके देखते हैं ना इसी तरह जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे से होते हैं कि हमें वैसे तो नज़र नहीं आते तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं तो माइक्रोस्कोपी आपके पास टेक्निक है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को बड़ा करके देख सकते हैं ठीक है so, सो माइक्रोस्कोपी में कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अलावा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है इन सारे के सारे माइक्रोस्कोप्स को हम वन बाय वन स्टडी भी करेंगे यानी ये सारी क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं जिसको हम जब सेल्स को स्टडी करते हैं यूज करते हैं अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है माइक्रोस्कोपी के अलावा जिसको हम सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग ठीक है स्टेन हम किसे कहते हैं दाग को कहते हैं ठीक है कलर को कहते हैं ठीक है थीके? जैसे हम कहते हैं ये जो फलाना टेंट है तो ये ली लि, लिप्स एंड चीक टेंट है तो वो स्टेन बनाता है ना पिंक कलर का रेड कलर का तो इसी तरह से ये जो स्टेनिंग टेक्निक है इसमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं हमें वैसे कभी भी नहीं नज़र आते है. तो उस पर हम कुछ कलर्स डालते हैं ताकि हमें वो चीज़ें नजर आए अंडर द माइक्रोस्कोप उन कलर्स को हम स्टेन कहते हैं और उस टेक्निक को हम स्टेनिंग कहते हैं इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे घर में आप मिल्कशेक बनाते हो ना जूसर में चीजें डाल के इसी तरह सेलन मोलिकुलर बायोलॉजी में मैं आप एक मशीन यूज करते हो जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं उसमें आप सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को न्यूक्लियस को अलग किया सेल वॉल को अलग किया राइबोसोम्स को अलग किया डिफरेंट पार्ट्स को अलग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और हाई स्पीड मशीन को चलाते जैसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं और उस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं ये वन बाय वन ये सारी टेक्निक्स अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बाद है सेल या टिश्यू कल्चर सेल या टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं जिसमें आप सेल्स की ग्रोथ करते हो या टिश्यूज़ की ग्रोथ करते हो आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में नेचुरली उसकी ग्रोथ नहीं होती इसके बाद एक क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी में भी आप जो है डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को सेपरेट से करते हो वो भी एक टेक्निक है आप इसमें पढ़ोगे इसके बाद एलेक्ट्रोफोरिस अब आपको ये भी पता है जितनी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चार्जेस होती हैं जैसे डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है प्रोटीस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो चार्जेस के बेसिस पे जब आप सेपरेशन करते हो विद हेल्प ऑफ मशीन तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और ये सारी की सारी टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे अब आप यहाँ डायग्राम को देख ले तो यहाँ पे ये आई पीस है माइक्रोस्कोप का जिसको हम ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लेंस नजर आ रहा है इसको हम ऑब्जेक्टिव पीस भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं और ये आपके पास आई पीस है ठीक है अब हमारे पास जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था जो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप था उसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने उसका नाम था एंटनी वैन लेवन हुक ठीक है उसने 1670 में एक पहले सबसे फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था और उस माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस था यानी जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था ना उसमें एक ही लेंस था और वो चीज़ों को उसके ओरिजिनल साइज से 250 टाइम्स बढ़ा करके दिखाता था ठीक है बाद में जो रॉबर्ट हुक है उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया बनाया ठीक है और उसमें दो लेंसेज थे एक थी ऑक्यूलर लेंस जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाई आई पीस वाली और दूसरी थी ऑब्जेक्टिव लेंस जो आपने नीचे दूसरी लेंस देखी ना दैट वाज द ऑब्जेक्टिव लेंस अच्छा अब इस तरह से जो आपके पास कोई भी चीज़ थी उसकी इमेज आपको मैग्नीफाइड होके नज़र आ जाती थी ठीक है आपको वो चीज जो है ऑक्यूलर लेंस से बड़ी होकर नजर आ जाती थी अब ये जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था या जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इन दोनों के दोनों को लाइट की जरूरत होती है लाइट एनर्जी को यूज करेगा लाइट नहीं होगी तो आपको इसमें कुछ भी नहीं नजर आएगा लाइट होगी तो तभी आपको इसमें चीजें नजर आएंगी ठीक है इसके बाद आपके पास सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज आपके बुक में दी गई है रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन जब आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हो तो आपने रेजोल्यूशन भी पढ़ना होगा आपने मैग्निफिकेशन भी पढ़ना होगा तो पहले मैग्निफिकेशन क्या है कोई भी चीज जब आप उसकी अपेरेंस को बड़ा करके दिखाते हो उसका साइज वही रहता है ये नहीं कि हम उसके साइज को बड़ा करते लेकिन सिर्फ उसकी अपेरेंस को हम बड़ा करके दिखाते हैं तो इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन ठीक है अब मैग्निफिकेशन को आप दूसरी इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो दूसरा टर्म अगर आपको पहला हमने क्या कहा कि उसकी जो अपेरेंस है वो हमने बड़ी करके दिखाई तो ये मैग्निफिकेशन है दूसरा हम कह रहे हैं कि ये रेशो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज़ की और रियल साइज की एक उसका असली साइज होता है और एक जो आपको बड़ा करके दिखाते हैं वो वाला साइज तो उन बी उन दोनों के बीच में जो रेशो होती है उसमें मैग्निफिकेशन कहते हैं अब लाइट माइक्रोस्कोप जो सबसे ज्यादा माइक्रोस्कोप होता है ना आपकी लेबोरेटरीज में पड़ा होता है वही लाइट माइक्रोस्कोप है अच्छा लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो आपको किसी भी चीज़ को टेन टाइम्स बड़ा करके दिखाता है उसकी असली साइज से और मैग्निफिकेशन जो आपके पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है वो आपको वन मिलियन टाइम्स चीज़ों को बढ़ा करके दिखाएगा अभी मैं आपको आगे इमेज दिखाती हूँ लाइट माइक्रोस्कोप की भी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी इसके अलावा आपके पास एक और माइक्रोस्कोप है जो कि है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो आपको चीज़ों की थ्री इमेजेस दिखा देता है थ्री डायमेंशन में जैसे प्रोटीन के थ्री इमेजेस हो गए आपके पास डीएनए के थ्री डी इमेजेस हो गए कुछ माइनो एसिड्स के थ्री डी इमेज हो गए तो ये आपको चीज़ों की बिल्कुल थ्री डायमेंशन में उसके इमेजेस दिखाएगा यानी थ्री डायमेंशनल लेवल तक आपको उस चीज़ को दिखा देगा अच्छा है, तो ये था अबाउट मैग्निफिकेशन अब हम आगे देखते हैं भाई ये रेजोल्यूशन कौन सी रेजोल्यूशन का, का मतलब है कि कितना क्लियरली आपको इमेज नजर आती है ठीक है ये आपके पास दो ना वो आपको एक ही डॉट की तरह नजर आएंगे लेकिन रेजोल्यूशन क्या कि वो मुझे उन दोनों डॉट्स को उन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करके दिखाएगा कि मुझे वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग नजर आएंगे एक दूसरे से ठीक है सो रेजोल्यूशन पावर क्या है ये बीटी के हम जो चीजें एक दूसरे के बहुत करीब पड़ी हैं क्लोजली लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको हम सेपरेट एक दूसरे से दूर करके दिखाएं तो इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप का ठीक है अब ये जो रेजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे तो वो क्या है 250 नैनोमीटर है और ये आपकी आंख से 500 टाइम्स ज्यादा है ठीक है और ह्यूमन आई जो है ना वो तभी किसी पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कर सकती है जब वो 1.0 पॉइंट mm जीरो एक दूसरे से दूर इससे ज्यादा दूर होगा तो फिर उसको नहीं नजर आता सिर्फ वन पॉइंट जीरो एम एम का डिस्टेंस उनके बीच में होगा तो तभी वो उसको नजर आएगा ठीक है अब ये जो रेजोल्यूशन पावर होती है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे लाइट की क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा ना कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है ये कैसे कैसी ले तो उसका नाम भी लाइट माइक्रोस्कोप ये लाइट पे काम करती है लाइट होगी तो इमेज नजर आएगी बड़ी होके लाइट नहीं होगी तो उसको कुछ भी नहीं नजर आएगा ठीक है तो रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर डिपेंड करती है wavelength पे लेंथ कि कितनी वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे लाइट माइक्रोस्कोप पे जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी ना तो उतनी उसकी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगी यानी आपको उतनी ज्यादा क्लियर इमेज नजर आएगी ठीक है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की आपके पास माइक्रोस्कोप की मेनली दो टाइप्स है एक है लाइट माइक्रोस्कोप दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब लाइट माइक्रोस्कोप के फर्दर दो टाइप्स है एक होती है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप दूसरी होती है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसके भी दो टाइप से एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब मैं आपको इनकी इमेजेस दिखा देती हूँ ये वाला आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है बिल्कुल सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप ये आपके पास है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जरा सी डिफरेंस है ना उससे अब इसको आप देख ले तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इस तरह की इसमें बहुत सी लेंजेज अंदर लगी होती हैं और ये जो है तो फिर आपको यहाँ कंप्यूटर पे इमेज नज़र आती है इसके बाद आपके पास ये वाला जो है ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छा तो ये थी कुछ बेसिक थोड़ी सी नॉलेज अबाउट माइक्रोस्कोपी रेजोल्यूशन पावर मैग्नीफिकेशन जिसको हमने डिस्कस किया कि आपने डेफिनेशनस और ये वैल्यूज़ याद करनी है ठीक है अब इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टेक्निक है जो कि हम सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं वो है स्टेनिंग ठीक है अब स्टेनिंग क्या है स्टेनिंग आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जो हम माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं ताकि हमें माइक्रोस्कोपिक जो इमेजेस हैं उनमें कंट्रास्ट पैदा होने कलर हो ट्रांसपेरेंट होंगी तो हमें फर्क नहीं पता चलेगा ना हमें क्लियरली चीजें नजर आएंगी लेकिन जब हम उस पे कलर डालते हैं स्टेन डालते हैं तभी हमें वो चीजें क्लियरली विजिबल हो जाती हैं ठीक है जैसे आप खाली इंक पेन से लिखते हो ना तो उसने आ, उससे आपने जो भी लिखा आपको नजर नहीं आएगा लेकिन जब आप इंक भरोगे फाउंटेन पेन में और फिर लिखोगे तो आपको वो वर्ड्स नजर आएंगे ठीक है यही मिसाल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की भी है कि उस पर स्पेसिफिक स्टेन डालते हैं अभी अभी भी रिसेंटली जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया था आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है कि ये वाला स्टेन इसके लिए यूज़ होता है ये वाला स्टेन इस इस बायोलॉजिकल एंटिटी के लिए यूज़ होता है और वो हम आया था कि ये वाला जो स्टेन है ये किस को कलर करने के लिए यूज़ होता है तो ये टेबल आपने याद करना है जो आपकी बुक में दिया गया है ठीक है और ईटा में भी सेम हमसे आते हैं अच्छा तो स्टेन्स और डाइस यानी जो कलर्स है वो बायोलॉजिकली हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में यूज़ करते हैं इवन जो डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह होते हैं या जो रिसर्च लैब्स होते हैं वहाँ पर भी स्टेन्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ है यानी फॉर एग्जांपल कोई कैंसरियस सेल है उसको स्टडी करना है कि भई ये कैंसरियस है या नॉर्मल ट्यूमर है या जो तो उसको निकाल के तो उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखना जब होता है तो स्टेनिंग उसकी प्रॉपरली करती है किसी से ब्लड लिया और देखना है इसमें मलेरिया के जरासीम है या नहीं है या इसको लिशमीनिया डिजीज़ है या नहीं है तो उसके लिए भी स्टेन्स यूज़ होते हैं और उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है तो डिफरेंट तरह के माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं अब जैसे देखें यहाँ पे आपको ये कुछ बैक्टीरिया दिखाए गए हैं ऊपर स्टेंस दिखाए गए हैं कि क्रिस्टल वॉलेट स्टेन है आयोडीन है इथाइल एल्कोहल है सेफ्रिन ये स्टेन्स के नाम है ये बाद में आप दोबारा भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है अब स्टेन आपके पास दो तरह के होते हैं एक होती है वाइटल स्टेन दूसरा होता है प्रिंसिपल स्टेन अच्छा वो वाली स्टेन जो कि आप कम अमाउंट में यूज करते हो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हो और वो नॉन टॉक्सिक होती है यानी जितने लिविंग टिश्यूज होते हैं ना जैसे अपने इंसान पे किसी भी बैक्टीरिया पे या किसी भी एनिमल पे उसको यूज़ करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ करना है तो वो वाले स्टेन उसके लिए नॉन टॉक्सिक होंगे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो वो हमारे पास वाइटल स्टेन होते हैं उसको हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं ठीक है थीके? तो इसलिए हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ कर सकते हैं जैसे मिथाइलिन ब्लू है आपके पास एक प्रिंसिपल स्टेन या वाइटल स्टेन और साथ में न्यूट्रल रेड ये दो स्टेनस के नाम हैं जो आपके पास यूज होते हैं फॉर स्टेनिंग ऑफ लिविंग टिश्यूज ठीक है जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनपे आप नॉन टॉक्सिक स्टेन जो यूज करते वो है मिथाइलिन ब्लू और न्यूट्रल रेड इसके बाद एक काउंटर स्टेन या उसको आप सेकेंडरी स्टेन भी कहते हो जब भी आप दो स्टेन यूज कर रहे हो एक ही वक्त में यानी एक आप वाइटल स्टेन यूज करो या कोई भी स्टेन यूज करो उसके साथ आप जो दूसरा स्टेन यूज करोगे उसे आप काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन कहोगे क्योंकि आप दो स्टेन यूज करो मतलब एक से आपको वो चीज़ चीज विजिबल नहीं नजर आएगी अपने दोनों यूज करने तभी आपको वो टिश्यू नजर आएगा तो जब दो स्टेन को यूज करो तो जो, जो दूसरा होगा उसे आप सेकेंडरी स्टेन कहोगे इसलिए इसका नाम भी सेकेंडरी स्टेन है ठीक है अच्छा ये जो काउंटर स्टेन है ये आपको हेल्प करता है कि चीज़ें और स्ट्रक्चर्स आपको आसानी से नज़र आए जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है भी आपके पास एक स्टेन है है उसकी आपको ये दी गई ठीक है अभी आपको कुछ टाइप्स ऑफ स्टेन बताए गए हैं कि वो आपको कलर कौन से देंगे और वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं और यही आता है बोर्ड एग्जाम में भी और ईटा में भी तो ये टेबल आपने याद करना है कि कौन सा स्टेन किस चीज के लिए यूज है। अच्छा, है, होता है अच्छा एनलिन ब्लू जो स्टेन है उसका कलर ब्लू होता है और वो हम फंगस के जो स्पोर्स वगैरह हैं या प्लांट के जो स्पोर्स वगैरह जब हम उनको स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए हम ये वाला स्टेन यूज़ करते हैं इसके बाद है बोरेक्स कैरमाइन ये हम न्यूक्लियाई को जब हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियसिस को या हम ओबीलिया कॉलोनी को ओबीलिया आपके पास एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है उसको जब हम स्टडी करते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है इसके अलावा एक यूसिन स्टेन है ये साइटोप्लाज्म को और सेलुलोज के स्ट्रक्चर को जो प्लांट के सेलुलोज होते हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है अच्छा फ्यूलजिन स्टेन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमने डी और क्रोमोसोम्स को स्टडी करना होता है इसके बाद है लिशमिन स्टेन तो ये इसका ये हम जब भी ब्लड सेल्स को स्टडी करते हैं जैसे हमने लश्मिन ऐसि डिजीज़ के लिए ब्लड को डायग्नोज करना है या हमने आ, मलेरिया के लिए करना है कुछ भी तो ब्लड सेल्स की जब भी आपने स्टडी करनी होती है तो उसके लिए आप लश्मिन स्टेन यूज़ करते हैं उसके बाद न्यूक् के लिए कोर स्टेन मिथाइलिन ब्लू भी यूज़ होता है सेफ्रिन जो है ये न्यूक्लियाई के लिए लेगनिन जो प्लांट्स का लेगनिन टिश्यू होता है ना उसके लिए यूज़ होता है इसके अलावा प्लांट के मुख्त्य टिश्यूज के लिए जब आप स्टेन यूज़ करोगे तो सेफ्रेनिन ही यूज़ करोगे ठीक है अब कुछ आपके पास टेम्प्रेरी स्टेंज यानी अभी आपने डाल दिए दोबारा जब आप उन टिश्यूज को स्टडी करोगे कुछ टाइम के बाद उनका कलर चला जाएगा तो टेम्प्रेरी स्टेंज में आपको बताया गया है एनेलिन सल्फेट जिसका कलर आपको येलो मिलता है और उसको आप लेग्निन के लिए यूज़ करते हो लेग्निन आपके पास एक सपोर्टिव मटेरियल, एक टिश्यू है प्लांट का ठीक है और इसके अलावा आयोडीन सॉल्यूशन वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देता है और आप जब भी स्टार्च की स्टडी करते हो प्लांट के जो स्टार्च मटेरियल होते हैं जो सेलुलोज वगैरह होते हैं उसके लिए आप आयोडीन सोलूशन को यूज़ करते हो ठीक है इसके बाद स्कॉल सोल्यूशन जो कि आपके पास यूज होता है लेग्निन क्यूटिन क्यूटिन भी आपके पास एक टफ पॉलीसेकेराइड है इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स या स्टार्च या सेलुलोज की जब आपने स्टडी करनी है उसके लिए आपने स्कॉल्ड सॉल्यूशन को यूज करना ठीक है थीके? अभी आपको मैंने इमेज दिखाई है कि ये स्टेंस होते किस तरह है? इस तरह की बस बॉटल्स होती हैं जो लेबॉट्री में मौजूद होती हैं चाहे वो आपकी साइंस लेबॉर्ट्री है चाहे आप किसी लैब में काम कर रहे हो तो ये इस तरह के स्टेन होते हैं इसको लेते हैं और आप स्लाइड्स वगैरह पे डाल देते हो ठीक है तो आप जो है तो देख सकते हो फिर चीजों को सो so, इसके बाद हम नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हम पढ़ेंगे सेंट्रिफिकेशन या फ्रैक्शनेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है